बैंक से नच के माध्यम से कटने वाले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसे बंद कराएं, खासकर तब जब पॉलिसी को आगे नहीं चलाना हो या पॉलिसी को सरेंडर करना हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी LIC पॉलिसी में प्रीमियम नच के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक से कटता है और अब आप अपनी पॉलिसी में आगे प्रीमियम जमा नहीं कराना चाहते या उसे सरेंडर कराना चाहते हैं, तो इसे लेकर आपके मन में जरूर तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। जब आप अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली वो आपकी बीमा कंपनी को आपके प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दे, तो फिर आपका बैंक मैच्योरिटी तक आपके द्वारा तय डेट पर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करता रहता है, बशर्ते आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी आप अपनी पॉलिसी में आगे नच के माध्यम से प्रीमियम देना बंद करना चाहें, तो इसके लिए आपको अपनी बीमा कंपनी में रिक्वेस्ट देनी होगी। लेकिन आपको ये काम प्रीमियम की ड्यू डेट आने से कम 1 महीने पहले करना होगा, ताकि अगली किस्त कटने से पहले आपकी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके अकाउंट में जरूरी बदलाव किए जा सकें। लेकिन अगर आपका इरादा आगे प्रीमियम पे करने का ना हो और आप पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, लैप्स कराकर पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलाना चाहते हो, तो ऐसे में बैंक से नच के माध्यम से कटने वाली पेमेंट को रोकने के लिए आपको प्रीमियम की ड्यू डेट से पहले अपने अकाउंट में प्रीमियम की राशि से कम राशि रखनी होगी, जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम की ड्यू डेट आने पर आपके खाते से प्रीमियम का अमाउंट ना कटे और वो बाउंस हो जाए। एक बार इंश्योरेंस प्रीमियम बाउंस होने पर आपका बैंक और LIC चेक बाउंस चार्ज की तरह आपसे कुछ चार्ज जरूर लेंगे, लेकिन फिर बैंक अगली ड्यू डेट आने पर आपके खाते से कोई राशि LIC को नहीं देगा और फिर दोबारा बाउंस चार्जेस भी नहीं लगेंगे। यह तब तक होगा जब तक आप अनपेड प्रीमियम और बाउंस चार्जेस बीमा कंपनी को खुद पे नहीं कर देते, और अगर आप पे नहीं करते तो नच सिस्टम से आपके खाते से कोई भी इंश्योरेंस का आगे प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। इसके बाद आप पॉलिसी के बारे में अपनी ज़रूरत अनुसार फैसला कर सकते हैं कि आपको आगे पॉलिसी को सरेंडर कराना है, ऐसे ही छोड़ देना है या मैच्योरिटी तक पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलाना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।